अब देख रहे देश का नंबर वन न्यूज नेटवर्क टीवी 9, मैं हूं मनीष शर्मा। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई एयरपोर्ट पर हुए हादसे की। किंगफिशर के प्लेन को लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसल गया और उसके चलते एक हिस्से में आग लग गई। प्लेन में 40 यात्री सवार थे। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और पायलट को काम से हटा लिया गया है। आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले मुंबई एयरपोर्ट पर एक काफी बड़ा हादसा होते होते टल गया। किंगफिशर प्लेन लैंडिंग के वक्त एक हिस्से में आग लगी और काफी बड़ा हादसा था जो बच गया है। बाल बाल बचे हैं। 40 यात्री इस प्लेन में सवार थे। रनवे पर फिसलने से किंगफिशर के प्लेन के एक हिस्से में आग लग गई। आग लगने के तुरंत बाद कार्रवाई जल्दी से जल्दी की गई और 40 यात्री इस प्लेन में सवार थे जिनको बचा लिया गया है और हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पायलट को काम से हटा दिया गया है। बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर काफी बड़ा हादसा होते होते बच गया। 40 यात्री बाल बाल बचे हैं रनवे पर फिसलने से। किंगफिशर एयरलाइंस के एक प्लेन में विंग में आग लग गई और उस आग के चलते काफी बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि 40 यात्री और क्रू मेंबर बाल बाल बच गए हैं इस हादसे में। आइए सीधे बात करते हैं मेरे सहयोगी विकास मिश्र। विकास, आपसे जानना चाहते हैं किस तरह हुआ यह हादसा और हादसा हालांकि टल गया, 40 यात्री और क्रू मेंबर बाल बाल बच गए हैं, लेकिन फिर एक बार मुंबई एयरपोर्ट पर हादसा हुआ। हादसों का एयरपोर्ट बन चुका है ये मुंबई एयरपोर्ट। जरा तफसील से बताएं किस तरह हुआ ये सब कुछ। आपको बता दूं मनीष कि 4:45 हो रहे थे जब इस हादसे की शुरुआत हुई। भावनगर से मुंबई की तरफ जब यह रनवे नंबर 0927 पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था तभी वेट होने की वजह से जो रनवे 0927 है वहां पर ये प्लेन फिसल गया। 09 रनवे 27 का जो आधा पोर्शन है जो इंटरसेप्शन पॉइंट पर काम चल रहा है इसलिए आधे पोर्शन को जो यूटिलाइज करने की परमिशन डीजीसी द्वारा एमआईएल को दी गई है, लेकिन वहीं पर ये विमान आया और स्किट हो गया। जहां पर स्किट होते होते ये रनवे के बाहर का जो जमीन का पोर्शन था वहां पर जाकर इसका जो राइट हैंड साइड का विंग था वो भी जमीन में धस गया। 37 पैसेंजर्स थे इसमें ऑनबोर्ड और करीबन 6 केबिन क्रू थे। बार बार ये हादसे होते चले आ रहे हैं, खासकर मुंबई एयरपोर्ट पर। हादसों का एयरपोर्ट बन चुका है मुंबई एयरपोर्ट। आप एविएशन कवर करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर कहां पर गलती हो रही है, कहां पर चूक हो रही है, क्यों नहीं अब तक इन पर विराम लग रहा है, इन हादसों पर। विकास, आपसे जानना चाहते हैं कि क्यों आखिर बार बार मुंबई एयरपोर्ट पर ये हादसे हो रहे हैं। लगातार हादसों का एयरपोर्ट बन गया है मुंबई एयरपोर्ट। आप एविएशन कवर करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं क्यों विराम नहीं लग रहा इन सारे हादसों पर अब तक। जैसा आपने कहा कि हमने कुछ दिन पहले खबर चलाई थी कि हादसों का एयरपोर्ट बन गया है मुंबई एयरपोर्ट। पिछले बार जब एयर इंडिया की जो विमान था बोइंग एयरबस 320 उसमें भी जब आग लगी थी तब भी ये सवाल खड़े हुए थे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जाते। आपको बता दूं आज जब हुआ 09 रनवे 0927 पर करीबन 3 बजे रनवे को बंद करना पड़ा क्योंकि जो विजिबिलिटी थी वो 2300 मीटर थी जबकि विजिबिलिटी 2800 मीटर होनी चाहिए, इसलिए रनवे बंद कर दिया गया था। लेकिन रनवे को फिर से खोल दिया गया जिसके बाद 4:45 पर यह दुर्घटना हो गई। और उस आधे रनवे को कितना यूटिलाइज किया जाता है, डीजीसी ने परमिशन कैसे दी इस आधे रनवे को यूटिलाइज करने की, क्योंकि पिछले मंगलवार को गोयर के एक विमान के बाद ऐसा ही हादसा हो गया था। ताजो और जो लोग काम कर रहे थे वहां पर वो इतने डर गए थे कि उन्होंने रनवे छोड़कर भाग गए और काम करना बंद कर दिया। तो पिछले मंगलवार से सीख नहीं ली गई और इसीलिए आज ये हादसा हुआ है। डीजीसीए पे कहीं ना कहीं उंगली खड़ी हो रही है कि उन्होंने इस आधे रनवे को यूटिलाइज करने के लिए एमआईएल को क्यों कहा और इतनी खतरे में जो यात्री थे उनकी जो जाने हैं उनको खतरे में क्यों डाला। मनीष, विकास, जब बारिश होती है तो एहतियातन क्या चीजें करनी चाहिए, क्या कुछ वहां पर होना चाहिए ताकि ऐसे हादसे ना हो एयरपोर्ट पर। आपको बता दूं मनीष कि इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम होता है जहां पर अगर बारिश होती है या विजिबिलिटी लो होती है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर जो रेडियम लाइट्स होती हैं रनवे के अगल बगल में तो कि जब विजिबिलिटी लो होती है तो रेडियम लाइट्स की जरिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे उजाला हो जाता है रनवे के आसपास के इलाके में ताकि जो विमान की टेक ऑफ है या फिर लैंडिंग वो आसानी से कराई जाए। लेकिन INS सिस्टम का भी इस्तेमाल यहां पर नहीं हुआ क्योंकि रनवे पर काम चल रहा है इंटरसेप्शन पॉइंट पे। तो कहीं ना कहीं हर चूक हर गलती की गई है यहाँ पर MIL द्वारा, DGCA द्वारा और एयरलाइंस द्वारा। और कहीं ना कहीं जो गोवेयर के पायलट से गलती हुई थी कि वो आधे रनवे पर प्लेन को लैंड नहीं करा पा रहा था वही हादसा यहाँ पर हुआ और किंगफिशर के दोनों पायलट को इस बार डिरोस्टर कर दिया है और जो 37 पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड उनकी जो जान थी उसे खतरे में डाल दिया गया है। मनीष, विकास, आप इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, बारिश अभी भी लगातार हो रही हम देख पा रहे हैं, वहां पर
ट्रैफिक को लेकर क्या कोई समस्या आ रही है और इस हादसे के बाद क्या एयरपोर्ट अब कुछ इस तरह से कुछ कार्रवाई करेगा ताकि अब जो प्लेन लैंड होंगे उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं हो, कुछ भी वहां पर एक्सीडेंट ना हो? आपको बता दूं मनीष, 0927 रनवे है, वो हर मंगलवार को 12 से 6 के बीच में बंद होता है। 12 से 6 के बीच में आपको केवल आधा पोर्शन जो होता है 0927 का, उसे इस्तेमाल करने की परमिशन होती है। लेकिन जो ये हादसा हुआ तो इंटरसेप्शन पॉइंट का जो काम चल रहा था उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद में जब ये हादसा होने के बाद में जब रिकवरी हुई तो जब वो जो काम बचा हुआ था उसे पूरा किया जा रहा है और कुछ ही देर में रनवे को कुछ देर पहले ही रनवे को खोला गया है ताकि जो दूसरी फ्लाइट से जो टेक ऑफ और लैंड करती है, रात का समय है, शाम का समय है, क्योंकि बहुत सारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसे इस समय उड़ान भरना होता है, इसलिए टेक ऑफ और लैंडिंग में देरी ना हो, इसलिए अभी रनवे खोल दिया गया है इस समय। लेकिन 0927 का जो पूरा हिस्सा है वो अब यूटिलाइज किया जा सकता है, और जब पूरा हिस्सा जब यूटिलाइज करते हैं तो विजिबिलिटी जो होती है 800 मीटर पे भी होती है, तो आप टेक ऑफ या लैंडिंग करा सकते हैं। लेकिन जब आधा पोर्शन होता है तो करीबन 2800 मीटर का जो विजिबिलिटी होती है वो आपको चाहिए, जो कि उस समय नहीं थी। लेकिन अभी आप 800 से 1000 मीटर की विजिबिलिटी अगर होती है तो आप टेक ऑफ या लैंडिंग करा सकते हैं। मनीष विकास का बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे रिपोर्ट पर। हम वापस आपके पास लौट के आएंगे, जानेंगे कि अब बारिश लगातार हो रही है एयरपोर्ट पर किस तरह की दिक्कतें। फिलहाल बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ। बार बार चेतावनियों के बाद भी लोग अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों के झांसे